Hey fam, welcome back to The TENTH Staar. So we are back again with another video and teaser आया है, release date कह सकते हो विक्रांत रोना की and इसमें किच्चा सुदीप है. I am really excited क्योंकि अब जैसे हमने जब KGF का ट्रेलर देखा ना उसके बाद अब ये आ रहा है and किच्चा सुदीप मतलब मैं बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हैं and this is also from सैंडलवुड तो मज़ा आने वाला है. पहले टीजर देखते हैं टीजर कैसा है then we will talk about it. But before starting the video guys, अगर आप चैनल पे नए हैं आपने सब्सक्राइब नहीं कर तो कर देना, hit that notification bell as well ताकि जब भी वीडियो आए तो मिस ना करो. फटाफट कर दो. Let's begin. पट्टे पट्टे शेर हाँ बट्टे बट्टे बैग wrong password पट्टे पट्टे शेर. अरे wait wait हाँ कहाँ तक ने दे comment. तुम्हारी दादी की डायरी मिली क्या? मिली कि नहीं मिली. oh no, उस डायरी में क्या लिखा है हमें जानना ही पड़ेगा. डायरी तो नहीं मिली लेकिन ये मिला, ये पजल कहां मिली, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. उस कहानी में कोई था. स्कैरी होता है ना वो शेर, उससे भी स्कैरी जो एक सेकंड में फट से चला जाता है. चीता है क्या? नहीं, जिसके आने से सब डर जाते हैं ना. याद आया, मुझे भी याद आ गया. मुझे भी. Are you all thinking what I am thinking? गुम्मा. उस गुम्मा का नाम क्या है? उस गुम्मा की कहानी जानने के लिए डायरी का मिलना जरूरी है. 28 जुलाई वर्ल्ड वाइड रिलीज. ओके, दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग क्योंकि फॉर अ मोमेंट मुझे ऐसा लगा था कि जैसे अच्छा मैं बचपन में ना काफी आई यूज्ड टू रीड यू नो फैंटेसी बुक्स जैसे मैजिकल वगैरह होती है, जैसी मूवीज देखना एंड स्टार्टिंग वैसी थी, मिस्ट्री बुक्स वगैरह पढ़ना, इट वाज माय थिंग. तो जैसे ही पढ़ा ना मुझे एक मिनट ऐसा लगा कि मेरे बचपन वाला टाइम जो होता ना एक ऐसे मुझे कुछ हिट करा है. इट वाज लाइक अ नॉस्टैल्जिया फॉर मी कि वो जैसे स्टोरी टेलिंग हो रही थी और बच्चे एंड द वे एक वो मिथ आ रही है कि उसके अच्छा मुझे ना जैसे अगर KGF 1 में जैसे स्टार्टिंग होती है ना दैट वो भी ऐसे होता है कि वो स्टोरी सुना रहे हैं एंड स्टोरी सुनाते सुनाते मूवी चल रही है साथ साथ. ये भी वैसे स्टार्ट थी कि स्टोरी मतलब काइंड ऑफ कि स्टोरी मतलब वो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब वो है डायरी की बात हो रही है. साथ में आप देखो VFX ठीक है सारा रात का सीन. मुझे पता है ऐसा लग रहा था इतनी सारी वो जो चिल्ड्रन स्टोरी सीन है मेरे माइंड में से कंपाइल हो रही थी. एक वो जो तुम्हारी क्लासिक है टिंकर बेल. हाँ सॉरी टिंकर बेल नहीं, पीटर पैन वाला मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैंने ना पीटर पैन की मूवी देखी थी जो रियल वाली थी. हाँ. उसका थोड़ा सा ऐसा लगा. फिर मुझे लगा अच्छा नहीं ये उस वाली बुक से भी कनेक्ट हो रहा है, उस वाली बुक से भी कनेक्ट हो रहा है, नॉस्टैल्जिया हो गया. लेकिन टॉकिंग अबाउट द या टॉकिंग अबाउट दिस बीजीएम या द बीजीएम वाज हां और अभी तक जो हां प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड बाकी भी टीजर है, ट्रेलर आएगा तब पता लगेगा. लेकिन मैं बताऊँ जब से जैसे जो ऐसे मूवीज आ रही है ना लाइक KGF हो गया आपने, फिर बाहुबली देखी ठीक है, फिर RRR देखी, फिर द बीस्ट आ रही, मतलब ऐसी मूवी से ना ऑडियंस मेच्योर हो रही है. एंड आप मेच्योरिटी की बात करूंगा मूवीज का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा, ऑडियंस का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ठीक है. कश्मीर फाइल्स देख लो आप, जब उठा के देखो मूवीज जो मूवीज पहले थिएटर में नहीं चलती थी ना वो मूवीज अलग चल रही हैं. और ये टाइप की जैसे RRR हो गई या KGF हो गई ये तो चलती थी लेकिन अब जो चल रही है ना वो ब्लास्ट हो रहा है थिएटर में जाके. एंड लोगों को अच्छा कंटेंट देखना, साथ में लोग भी मतलब डिफरेंट कंटेंट या मैच्योर हो रहे हैं लोग अलग अलग चीज़ें देखने के लिए भी. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये वाली मूवी भी ना धमाल मचाएगी अगर लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो, क्योंकि मूवी में दम लग रहा है अनडाउटेडली. एंड आई कैन वेट फॉर द ट्रेलर. एक बार ट्रेलर आया तो कुछ आइडिया पता लगे, एग्जैक्टली थोड़ा सा और पता लगे. बाकी आप बताओ आपको टीजर कैसा लगा, कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड जो भी अपने थॉट्स है यू कैन शेयर. Yep, share in the comment section, and you can follow us on Instagram. The link is in the description below. And just remember one thing, you have to grind to shine. Take care. Bye-bye.